ये है आज से दिन की शुरुआत। ये है धौनसिरी रिवर, राइट, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बड़ा हाथी देखो कितनी फॉग है यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन फॉर अनदर वीडियो। तो मैं जा रहा हूँ आज एक 500 किलोमीटर की वन डे राइड। अभी 5:47 हो चुकी है। बाइक को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। और ये मार्च की 4 तारीख, ठंड तो काफ़ी कम हो गई है जनवरी फरवरी के तुलना, लेकिन थोड़ी थोड़ी फॉग अभी भी है। और ये है नेशनल हाईवे 27। यहाँ से हम गुवाहाटी की ओर जाएंगे, गुवाहाटी से बायहाटा, बायहाटा से तेजपुर, तेजपुर से लखीमपुर। एक्चुअली मैं अपना घर वापस जा रहा हूँ बहुत दिन बाद। आप सामने देखिए सूरज उग चुकी है, थोड़ा लाल लाल हो चुकी है। यह है 80 दिन की शुरुआत। सामने है धूप और मौसम है बहुत ही सुहाना। तो आज के राइड बहुत ही मज़ा आने वाली है, तो बना रहे इस वीडियो पे। जय माता दी। जालुकबारी पहुंच गया हूँ मैं, अभी बायहाटा तक जाना पड़ेगा। तो ये है द हिस्टोरिक होराईघाट ब्रिज। एक बहुत ही बढ़िया इवेंट यहाँ हुआ था इस होराईघाट ब्रिज पे। मुगल और अहोम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ, और इसके नाम पे इस ब्रिज का नाम होराईघाट ब्रिज रख दिया था। ये नई वाला है, वो सामने वाला पुराना है। बायहाटा सारे लिए तो पहुँच चुका हूँ मैं, अभी लेफ्ट लेना पड़ेगा मुझे। रास्ते बहुत पतली और इतने बड़ी बड़ी ट्रक सारे रास्ते को एक तरह की ढक देते हैं। सौ किलोमीटर चलाने के कम 10 घंटे तो लगते ही है। तो मजे से जाना पड़ेगा, कोई इतना जल्दी नहीं। शाम तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। सा हबो सा सा ओके, थोड़ा चाय पी लेते हैं। 150 किलोमीटर बाइक चला लिया मैंने अभी तक, थोड़ा टी ब्रेक तो बनता है। अभी मंगलदोई से थोड़ा आगे, पता नहीं कौन सा जगह है ये। जगह का नाम मेदीपारा है, मैंने गूगल मैप भी देखी है। और यहाँ एक चाय की दुकान है, यहीं पे चाय पी लेते हैं। और ये है लाल चाय, और लाल चाय के साथ टेकली पिठा। चीयर्स। बढ़िया। यह है टेकली पिठा, दिस इज लोकल फूड ऑफ हेजमिस।
নাম কি ক'লে? ধীৰজ হাজৰিকা ন? হ'ব দিয়ক, এতিয়া ক'লৈ যাব? অঁ অ'কে অ'কে আবি হাম নন ষ্টপ বাইক চলায়েগে সিধা হাম আবি তেজপুৰ মেহ ৰুকেগে ন 44 হ' চুকি হে বাকী সব ঠিক হে আয়ো এক ভাই মিল গা ধীৰজ হাজৰিকা আমাৰ এই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে হি হে মংগলদৈমে মেডিকেল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট মে কাম কৰি মেৰা চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব ভি কৰি দিয়া আৰু ধীৰজ ভাইক ধন্যবাদ চাইটো পি লিয়া হে আবি থৰা হালকা হ' গা হে শৰীৰ বৰ্ণা থৰা ভাৰী ভাৰী চা হ' গা তা इसके बाद मैं शायद अरुणाचल जाने वाला हूँ। मेचुका तक जाने की प्लानिंग है लेकिन वक्त की बताएगा जा पाऊँगा कि नहीं। बढ़िया, तो हम तेजपुर पहुँच गए हैं। अभी 11:41 हो चुके समय, सही समय पे पहुंच गए हैं। लैब लेके सीधा शहर से बाहर जा सकते हैं। ले आया हूँ कुछ खाने की बिस्कुट वगैरह, वो ही खाऊंगा। टाइम मुझे मेकअप करना है। देखो कितनी बढ़िया और बहुत बड़ी ये टी गार्डन है। देखो एकदम ग्रीन ग्रीन हो रखी है। ओके गाइस, यहाँ थोड़ा रुक के तरमुज उमुज खा ली और इस जगह का नाम शायद रेल गेट है, अंकल बता रहे थे। तो हम देखिए थोड़ा खाली है, थोड़ा पेट भर गया है। ज़रा तो भरा नहीं, थोड़ा भर गया है। अभी यहाँ से धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा। ये तेजपुर से थोड़ा आगे जिया बुरोल नदी ये है। पानी बहुत कम है। बहुत साल हो गया है यहाँ रास्ते के काम करते हुए लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। क्या कर रही है पता नहीं। 5-6 साल तो हो गया यहाँ इस रास्ते को बनाते हुए। ग्रीन ग्रीन एकदम दोनों तरफ। ये देखो अभी साइड पे बड़ा हाथी। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। इस साइड में भी है।
ओके वीडियो बनना शुरू है। रुका रुकी नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। 2 बज गया है और मुझे अभी भी 200 किलोमीटर बाइक चलानी है, तो जल्दी जाना पड़ेगा। अभी मैं विश्वनाथ सरयाली पहुंच गया हूं। देखो कितनी फॉग है यहाँ, वो 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 फू 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 या धूल उड़ा रही है। बस रास्ते की ये हालात, ये ही पे गाड़ी खराब हो गया। जहाँ रास्ता नहीं है वही खराब। हम गोबर पहुंच गए हैं, लेब लेंगे तो आपको मिलेगा ईटानगर 0 अरुणाचल तक जा सकेगा। 400 किलोमीटर बाइक चला ली है मैंने, वाह मैन। लेकिन मुझे कोई भी थकान या ऐसी कोई हाथ पैर कोई दुख नहीं रहा। लेकिन बैठते बैठते बॉम्बे थोड़ा गर्मी सा हो रही है, थोड़ा खराब के चलाना पड़ेगा। बाकी तो सब ठीक है, राइड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मुझे 100 किलोमीटर बाइक चलाना है। आपके साथ क्या जाएगा, ना पैसा ना गाड़ी ना बंगला, जाएगा तो जाए सिर्फ एक अनुभव, एक्सपीरियंस, वही हम समेत के ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके इतना अनुभव, एक्सपीरियंस, यादें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर मन में हैं इस तरह राइड करने की तो करिए, इतना सोचो मत। ज़िंदगी एक ही बार मिलता है, तो इसको पूरी तरह एंजॉय ना करके कल के बारे में सोचते ही लोग बिता देते हैं। लेकिन हम कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हम वर्तमान के बारे में सोचते हैं और वर्तमान को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कल हो ना हो क्या पता, लेकिन आज तो है। दोस्तों अपनी टाउन की एक धूल भरे गर्माहट में स्वागत किया जा रहा है मुझे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का मेरी ये राइड समाप्त किया जाता है। तो वीडियो देख के कैसे लगा ज़रूर बताइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो Thank you for watching. Have a nice day.